सो आप देख सकते हैं नाई घाट के ताज़ा दृश्य आप देख रहे हैं। और दोस्तों अगर देखें आज 10 अगस्त के दिन तो आप देख सकते हैं काफ़ी कम संख्या में आज श्रद्धालु जो है नज़र आ रहे हैं। और इधर आप देख सकते हैं हरिद्वार में बारिश की वजह से जो है दुकानों के अंदर जो है पानी भर चुका है हर की पौड़ी मार्केट में आप देख सकते हैं। जय गंगे मैया दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में आपको हर की पौड़ी हरिद्वार के ताज़ा हाल आपको दिखाने वाला हूँ 10 अगस्त के दिन। साथ ही आपको हर की पौड़ी के विभिन्न घाटों के भी दर्शन कराने वाला हूँ और हरिद्वार यात्रा से संबंधित सभी जानकारियाँ और मौसम से रिलेटेड सभी जानकारियाँ आज की वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को शुरू। और मौसम की अगर बात करें तो आप देखते हैं अभी जो है इस टाइम जो है हरिद्वार में जो है बारिश हो रही है और कल रात से ही जो है हरिद्वार में जो है बारिश हो रही है और अभी भी जो है हरिद्वार में लगातार जो है बारिश बनी हुई है। तो सामने आप पहाड़ी पर देख सकते हैं जिस वजह से जो है आज हमें माँ मनसा देवी का भी टेम्पल दिखाई नहीं दे रहा है 10 अगस्त के दिन। काफ़ी ज़्यादा धुंध जो है पहाड़ी पर आप देख सकते हैं। और इधर आप देख सकते हैं जो है बैराज से जो है हर की पौड़ी के जल को फिर से कंट्रोल कर दिया गया है हरिद्वार, जिस वजह से जो है गंगा जी में हमें जल स्तर काफ़ी कम नज़र आ रहा है। सामने आप देख सकते हैं और इस साइड किनारे पर आप देख सकते हैं बड़े बड़े पत्थर हमें अब जो है गंगा जी में दिखाई दे रहे हैं। अगर आपने कल की वीडियो देखी होगी मेरी तो पूरी तरह से यहाँ पर जो है भर के जो है कल गंगा जी यहाँ पर चल रही थी, लेकिन आज जो है हमें बिल्कुल ही सूखी गंगा नदी यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। साइड में आप देख सकते हैं और बीच में आप देख सकते हैं बिल्कुल कम एकदम जल हमें दिखाई दे रहा है। सामने अगर देखें तो ये देखिए कम जल आज किया हुआ है और सामने देख सकते हैं बड़े बड़े पेड़ जो है गंगा नदी में बहकर जो है अब आ रहे हैं। लगातार जो है बारिश जो है हरिद्वार उत्तराखंड में हो रही है। सो दोस्तों शिव घाट की ओर अब आ गए हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है गंगा जी का जल स्तर आप देख सकते हैं काफ़ी कम आज हमें नज़र आ रहा है। 10 अगस्त के ताज़ा दृश्य आप देख रहे हैं शिव घाट से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं घाटों से जल जो है आज जो है गायब हो चुका है हरिद्वार में। आज जो है कल रात से ही लगातार बारिश हो रही है और घाटों से पूरी तरह जल हमें दिखाई नहीं दे रहा है आज। और बड़े बड़े पत्थर जो है हमें घाटों के बाहर अब दिखाई दे रहे हैं। सामने आप देख सकते हैं 12 बजे का समय हो रहा है, अभी भी बारिश चल रही है। देख सकते हैं आप वीडियो में भी रिमझिम बारिश जो है अभी भी लगी हुई है। सो दोस्तों आप देख सकते हैं शिव घाट के ताज़ा दृश्य आप देख रहे हैं। सामने आप देख सकते हैं काफ़ी कम संख्या में आज जो है श्रद्धालु जो है हमें नज़र आ रहे हैं। आज जो है पूरी तरह से शिव घाट आप देख सकते हैं खाली हो चुका है। और कल की वीडियो में आपने देखा होगा काफ़ी तरह से शिव घाट भरा हुआ था, लेकिन आज बारिश की वजह से जो है शिव घाट पूरी तरह से खाली आज हमें नज़र आ रहा है। और सामने आप देख सकते हैं हाथी वाला ब्रिज आपको दिखाई दे रहा है। तो आज जो है श्रद्धालु जो है घाटों पर दिखाई नहीं दे रहे। सो दोस्तों आ चुके हैं शिव सेतु पर और शिव सेतु से आप देख सकते हैं सामने आप देख सकते हैं किनारे पर बिल्कुल भी जल हमें दिखाई नहीं दे रहा है। आप देख सकते हैं 10 अगस्त के ताज़ा दृश्य आप देख रहे हैं। और मेरी कल की वीडियो आपने देखी होगी 9 अगस्त की, तो यहाँ पर पूरी तरह से कल जो है गंगा जी भर के चल रही थी, काफ़ी जल हमें कल दिखाई दे रहा था, लेकिन आज की वीडियो में आप देख सकते हैं जल जो है पूरी तरह से साइड में गायब हो चुका है। और बीच में भी अगर देखें तो काफ़ी कम जल आज हमें दिखाई दे रहा है। और सामने आप देख सकते हैं धनुष पुल आपको दिखाई दे रहा है। तो सामने जो है भीमगोड़ा बैराज से हरिद्वार से एक बार फिर से जो है जल को कंट्रोल कर दिया गया है हर की पौड़ी के। और आप देख सकते हैं शिव सेतु के ताज़ा दृश्य आप देख रहे हैं, काफ़ी कम संख्या में आज हमें श्रद्धालु जो है नज़र आ रहे हैं और घाट जो है पूरी तरह से जो है खाली नज़र आ रहा है हमें आप देख सकते हैं। सो दोस्तों आ चुके हैं मुख्य धारा गंगा नदी की ओर और आप देख सकते हैं सामने धनुष पुल आपको दिखाई दे रहा है और गंगा के बीचों बीच आप देख सकते हैं पूरी तरह से आज जो है हमें जल कम दिखाई दे रहा है हर की पौड़ी हरिद्वार में। 10 अगस्त के ताज़ा दृश्य आप देख रहे हैं। और ग्रिलों के अंदर बिल्कुल भी जल जो है हमें गायब हो चुका है आज, बिल्कुल भी जल हमें दिखाई नहीं दे रहा है ग्रिलों के अंदर। और श्रद्धालु पूरी तरह से आज हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं घाटों पर, काफ़ी कम संख्या में जो है श्रद्धालु नज़र आ रहे हैं इधर अगर देखें तो। 10 अगस्त के ताज़ा दृश्य
तरसकस के ताज़ा दृश्य आप देख रहे हैं दोस्तों, काफ़ी कम संख्या में आज श्रद्धालु जो है नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं नाई घाट पर और नाई घाट के ताज़ा दृश्य आप देख रहे हैं। 10 अगस्त के दिन काफ़ी कम संख्या में आज जो है हमें श्रद्धालु नज़र आ रहे हैं नाई घाट पर, देख सकते हैं आप। और बारिश जो है अभी भी चल रही है, लगातार जो है बारिश हरिद्वार में हो रही है। 12 बजे का टाइम समय हो रहा है और कल रात से ही जो है लगातार बारिश हरिद्वार में हो रही है। और जल की बात करें दोस्तों तो आप देख सकते हैं जल आज हमें काफ़ी कम नज़र आ रहा है हर की पौड़ी हरिद्वार में। और इधर अगर घाटों पर भी देखें नाई घाट पर तो जल हमें 1 फुट मात्र जल हमें दिखाई दे रहा है नाई घाट पर भी, और श्रद्धालु आज काफ़ी कम संख्या में नज़र आ रहे हैं। सो आप देख सकते हैं नाई घाट के ताज़ा दृश्य आप देख रहे हैं। और दोस्तों अगर देखें आज 10 अगस्त के दिन तो आप देख सकते हैं काफ़ी कम संख्या में आज श्रद्धालु जो है नज़र आ रहे हैं। और इधर आप देख सकते हैं हरिद्वार में बारिश की वजह से जो है दुकानों के अंदर जो है पानी भर चुका है। इधर आप देख सकते हैं पानी जो पूरी तरह से दुकानों में घुस चुका है हर की पौड़ी मार्केट में। आप देख सकते हैं दोस्तों पहुँच चुके हैं गंगा के द्वार हर की पौड़ी पर, इसी द्वार से आप ब्रह्मपुर घाट के ले जाते हैं। और इधर आप देख सकते हैं अपर रोड मार्केट हर की पौड़ी हरिद्वार की, और इधर होटल और धर्मशालाएँ और दुकान आप देख सकते हैं। तो काफ़ी कम संख्या में जो है श्रद्धालु जो है नज़र आ रहे हैं। और देख सकते हैं आप बारिश से बचने के लिए लोग छाते वगैरह लेकर जाते हुए, काफ़ी कम संख्या में श्रद्धालु जो है नज़र आ रहे हैं हमें। और इधर आप देख सकते हैं भैरव बाबा के ताज दर्शन आप कर सकते हैं, इधर बजरंग बली महाराज के ताज दर्शन आप कर सकते हैं, वाल्मीकि मंदिर के ताज दर्शन आप कर सकते हैं, जय माँ काली के ताज दर्शन दोस्तों आप कर सकते हैं। और इधर आप देख सकते हैं जूता स्टॉल, आप जूते वगैरह यहाँ पर उतार सकते हैं। सो दोस्तों पहुँच चुके हैं संजय पुल पर और संजय पुल के ताज़ा दृश्य आप देख रहे हैं 10 अगस्त के दिन। काफ़ी ज़्यादा बारिश जो है हरिद्वार में हुई है रात से ही, जिस वजह से आप देख सकते हैं 10 अगस्त के दिन काफ़ी कम संख्या में श्रद्धालु नज़र आ रहे हैं और जल भराव भी हो चुका है हरिद्वार में। पहुँच चुके हैं संजय पुल पर और संजय पुल से आप देख सकते हैं लाइव नज़ारा आप देख सकते हैं हर की पौड़ी हरिद्वार के ताज़ा हाल आप देख सकते हैं 10 अगस्त के दिन। सामने आप देख सकते हैं ब्रह्मपुर घाट आपको दिखाई दे रहा है, और इधर आप देख सकते हैं अस्थि प्रवाह घाट आप देख सकते हैं, और सामने आप देख सकते हैं श्री शंकराचार्य मठ, और इधर आप देख सकते हैं घंटाघर घाट आपको दिखाई दे रहा है। काफ़ी कम संख्या में यहाँ श्रद्धालु नज़र आ रहे हैं और माँ गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हैं सभी श्रद्धालु। और जल भी देखें तो आज जो है हर की पौड़ी के जल को कंट्रोल किया हुआ है सामने बैराज से हरिद्वार से, जिस वजह से जल हमें काफ़ी कम दिखाई दे रहा है हर की पौड़ी हरिद्वार में। और इधर घाटों पर भी देखें तो आज 1 फीट जल हमें दिखाई दे रहा है मात्र। दोस्तों मौसम की बात करें तो मौसम भी आप देख सकते हैं अभी भी जो है 12:30 बजे का समय हो चुका है और बारिश जो है लगातार रिमझिम बारिश जो है हरिद्वार में लगी हुई है। और हरिद्वार यात्रा की बात करें तो आप हरिद्वार ऋषिकेश की यात्रा जो है आप कर सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। हरिद्वार में जो है हल्की जो है बारिश जो है लगी हुई है, लेकिन फिर भी आप जो है यात्रा कर सकते हैं हरिद्वार की। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं इधर नाई घाट पर और नाई घाट के ताज़ा दृश्य आप देख रहे हैं, काफ़ी कम संख्या में आज श्रद्धालु नज़र आ रहे हैं। और सामने आप देख सकते हैं भागीरथी सेतु। तो दोस्तों संजय पुल से आ चुके हैं नीचे हम, और आप देख सकते हैं सामने आप देख सकते हैं अस्थि प्रवाह घाट आपको दिखाई दे रहा है, और इधर सामने देखें तो ब्रह्मपुर घाट आप देख सकते हैं, यहीं पर जो है शाम को माँ गंगा की आरती होती है 7 बजे। और इधर आप देख सकते हैं घंटाघर घाट आपको दिखाई दे रहा है, काफ़ी कम संख्या में आज श्रद्धालु जो है नज़र आ रहे हैं और माँ गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हैं। और जल की बात करें दोस्तों यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जल जो है हमें काफ़ी कम जो है जल आज दिखाई दे रहा है घाटों के अंदर, 1 फीट मात्र जल हमें दिखाई दे रहा है। और जो है आप जो है ग्रिलों के अंदर ही जो है आप स्नान करें, ग्रिलों के बाहर जाकर जो है आप स्नान न करें। और देख सकते हैं बीच गंगा में जो एक युवक जो है तैराकी करते हुए आप देख सकते हैं, और इधर देखें तो सामने चैन पकड़कर जो है श्रद्धालु जो है स्नान करते हुए आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं घंटाघर, और 12:30 बजे का टाइम समय हो रहा है, और अभी भी जो है बारिश जो है थोड़ा तेज़ हो चुकी है। और घाट पर अगर देखें तो पूरी तरह से हर की पौड़ी घाट आज हमें खाली नज़र आ रहा है।
काफ़ी कम संख्या में आज श्रद्धालु नज़र आ रहे हैं। चारों तरफ के व्यू आपको दिखा रहा हूँ मैं, हर की पौड़ी हरिद्वार से। बारिश की वजह से जो है श्रद्धालु हमें काफ़ी कम नज़र आ रहे हैं आज। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं हर की पौड़ी के मालवीय घाट पर, और सामने आप देख सकते हैं श्री गंगा मंदिर के ताजे दर्शन आप कर सकते हैं। और इधर आप देखें तो महिला घाट सामने आपको दिखाई दे रहा है, अगर देखें तो ब्रह्मकुंड घाट आप देख सकते हैं सामने। और गंगा में जो है आप देख सकते हैं काफ़ी सारे युवक जो है तैराकी करते हुए आप देख सकते हैं। घाटों पर जल की बात करें तो काफ़ी कम जल आज हमें दिखाई दे रहा है। सीढ़ियाँ भी आप देख सकते हैं काफ़ी नीचे तक जो है काफ़ी कम जल आज हमें दिखाई दे रहा है, मात्र 3 फीट जल आज हमें दिखाई दे रहा है। और बीच गंगा में जो है श्रद्धालु जो है स्नान करते हुए आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है चैन वाले ब्रिज के पास हम पहुँच चुके हैं, और आप देख सकते हैं काफ़ी तेज़ बहाव जो है यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है गंगा जी में। तो दोस्तों आ चुके हैं यहाँ पर मालवीय घाट के पास, और आप देख सकते हैं चैन पकड़े जो है श्रद्धालु जो है स्नान करते हुए आप देख सकते हैं। सामने आप देखते हैं श्री गंगा मंदिर के ताजा दर्शन आप कर सकते हैं, और इधर आप देखते हैं मालवीय घाट के ताज़ा दृश्य आप देख रहे हैं 10 अगस्त के दिन। तो बारिश जो है अभी लगातार जो है बनी हुई है आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बारिश जो है काफ़ी तेज़ हो चुकी है अब, और जिस वजह से जो है छाते ओढ़ कर जो है श्रद्धालु जो है बारिश से बचते हुए आप देख सकते हैं आप। तो दोस्तों आ चुके हैं गंगा की मुख्य धारा की ओर, सामने देख सकते हैं आप भगवान शिव की 108 फीट मूर्ति आप देख सकते हैं, और गंगा नदी के बीचों बीच आप देख सकते हैं माँ गंगा की मूर्ति को, और सामने आप देख सकते हैं भीमगोड़ा बैराज आपको दिखाई दे रहा है। तो इधर भी अगर देखें पुल के नीचे जो है पंतदीप पुल ये आपको दिखाई दे रहा है, काफ़ी ज़्यादा बहाव में यहाँ पर जो है गंगा जी नज़र आ रही है पुल के नीचे अगर देखें। और अगर घाट की बात करें तो घाटों पर जो है बिल्कुल जल हमें दिखाई नहीं दे रहा है आज। मुख्य गंगा नदी आप देख रहे हैं हर की पौड़ी हरिद्वार की, और काफ़ी कम जल आज हमें गंगा जी में दिखाई दे रहा है। तो सामने आप देख सकते हैं भीमगोड़ा बैराज, इसी बैराज से जो है हर की पौड़ी के जल को जो है कंट्रोल किया जाता है। जूम करके भी मैं आपको दिखाऊँ तो तो दोस्तों आ चुके हैं गंगा के मुख्य धारा की ओर, और यहाँ पर आप देखते हैं सामने जो है बड़े बड़े पत्थर हमें जो है मुख्य धारा गंगा नदी में जो है दिखाई दे रहे हैं, और काफ़ी कम जल आज हमें जो है गंगा जी में दिखाई दे रहा है। और इधर आप देखते हैं काफ़ी सारे जो भोले भक्त हैं यहाँ पर जो है सोना चांदी यहाँ पर जो है ढूँढते हुए आप देखते हैं गंगा जी में। इस साइड भी आप देखते हैं काफ़ी सारे भोले भक्त जो हैं गंगा जी में जो है सोना चांदी ढूंढते हुए आप देख सकते हैं। जल कम होने पर काफ़ी सारे लोग जो है गंगा जी में आ जाते हैं सोना चांदी वगैरह ढूंढने। दोस्तों आसमान में देखें तो देख सकते हैं आप काफ़ी काले बादल जो है मेरे नज़र आ रहे हैं, और अभी भी जो है बारिश जो है लगातार हरिद्वार में बनी हुई है। सो आ चुके हैं धनुष पुल के साइड में गंगा की मुख्य धारा की ओर, और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है गंगा जल हमें काफ़ी कम नज़र आ रहा है मुख्य धारा में, और काफ़ी सारे भोले भक्त जो है सावन के महीने में आप इसमें गंगा मैया की पूजा करते हुए आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो 10 अगस्त के ताज़ा दृश्य आप देख रहे हैं, और घाट पर जो है पूरी तरह से जल आज हमें दिखाई नहीं दे रहा है। सो दोस्तों इस साइड अगर देखें सुभाष घाट की तरफ तो काफ़ी कम जल हमें दिखाई दे रहा है, और इधर किनारों पर भी अगर देखें तो बड़े बड़े पत्थर जो है हमें दिखाई दे रहे हैं गंगा जी में। पूरी तरह से जो है गंगा जी सूखी नज़र हमें आ रही है सुभाष घाट की तरफ, और काफ़ी कम संख्या में जो है श्रद्धालु जो है नज़र आ रहे हैं सुभाष घाट की तरफ अगर देखें तो।
जूम करके भी आपको दिखाता हूँ मैं तो। और गंगा के बीच में हमें जो है जल दिखाई दे रहा है, लेकिन किनारों पर जो है आज हमें जल नहीं दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में मैंने आपको हर की पौड़ी हरिद्वार के ताज़ा हाल आपको दिखाए 10 अगस्त के दिन, साथ ही हर की पौड़ी के विभिन्न घाटों के भी दर्शन कराएँ और हरिद्वार यात्रा से संबंधित सभी जानकारियाँ और मौसम से रिलेटेड सभी जानकारियाँ आज की वीडियो में दी है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिख के हर हर गंगे हर हर महादेव।